अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है मार और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका चैनल डाइस बर्ड्स। तो दोस्तों ये आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास एक पेड़ था, तो इसके मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में शायद बताया हो कि इसके अंदर रेड आइज़ का बच्चा है। तो अब पता नहीं था कि मुझे कि ये रेड आइज़ ही निकलेगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास जो एक लास्ट में वो कॉर्नर में एक था पेयर, उसने भी इसी तरह किया था। उसका बच्चा स्टार्ट में रेड आइज़ लग रहा था लेकिन बाद में वो ब्लैक आइज़ निकल आया था। तो अब इसका मैंने देखना है, कंफर्म करना है, इसकी मटकी उतारते हैं और देखते हैं क्या ये रेड आइज़ निकला है या नहीं। और वैसे ये है कि मेल इसका रेनबो वर्किंग का है और जो फीमेल है वो पॉसिबल स्प्लिट हो गो की टफटीड के अंदर फीमेल है। तो अभी इसकी मटकी उतारता हूँ और देखते हैं कि ये क्या रेड आइज़ के अंदर है या नहीं है। अगर रेड आइज़ में है तो काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि फिर हमारा जो ये मेल है वो स्प्लिट निकला है रेड आइज़ का। ये मैंने मेल लिया था अपने दोस्त से, तो उसकी भी कलोनी से वैसे ही निकाला था मेल, तो मुझे नहीं था पता कि ये रेड आइज़ का रहेगा। मुझे बस इसके कलर देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने कहा चलें इसको निकाल लेते हैं। तो अभी इसकी मटकी निकालते हैं, इसकी फ़ीमेल अंदर है और फिर आप लोगों को भी बच्चा इसका दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने मटकी उतार लिया और वो माशाल्लाह से माशाल्लाह रेड आइज़ का ही बच्चा निकला, जो कि मैंने आपको बताया है। तो ये देखें आप लोग, अभी बच्चा वैसे छोटा है, तो ये रहा जी माशाल्लाह से जी रेड आइज़ का बच्चा है। और ये दोस्तों क्रस्ट के अंदर निकल रहा है। मेल फीमेल जो है वो तो मेल है वो तो सिंपल है, जो फीमेल है वो थी टफटेड के अंदर और वो पॉसिबल स्प्लिट हो गई थी। तो दोस्तों आप लोग ये देखें, ये बच्चा जो है वो रेड आइज़ के अंदर निकल रहा है। तो इसको मैं बाहर भी निकालता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा जी बच्चा वो वाला, और आप लोग देखें तो अगर आप लोगों को नज़र आए तो ये क्रीमिनो के अंदर आ रहा है और रेड आइज़ के अंदर बच्चा ये वाला। तो देखें इसका फेस माशाल्लाह से रेड आइज़ के अंदर है। और दोस्तों आप लोग देखें तो ये डबल राउंड क्रस्ट में निकल रहा है, यहाँ पे भी क्रस्ट है और यहाँ पे भी क्रस्ट है। दोस्तों ये देखें आप लोग सर पे, पता नहीं इधर लाइट में नज़र भी आ रहा है सही या नहीं, लेकिन ये डबल राउंड क्रस्ट के अंदर है। थोड़ा बड़ा होगा तो फिर नज़र भी सही आएगा। तो मेरे हाथ थोड़े ठंडे हैं, मैं इसको वापस रख दूँ, इसलिए थोड़ा तरफ रहा। तो दोस्तों इसको वापस हम लोग जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि ये अपनी मदर के साथ इसमें थोड़ी हीट मिलेगी इसको। तो दोस्तों बाकी ये है कि हमारा ये पेड़ क्रीमिनो वर्किंग के लिए भी हो सकता है, क्योंकि इसने निकाला है क्रीमिनो डबल राउंड क्रस्ट के अंदर बच्चा। क्रीमिनो डबल राउंड क्रस्ट के अंदर दोस्तों इसने बच्चा निकाल लिया है। और लव बर्ड के अंदर तो क्रीमिनो वर्किंग होती है, तो इसके अंदर भी हो गई, लेकिन यह कि डबल राउंड क्रस्ट में है। और इसका जो फादर है उसका भी डबल राउंड क्रस्ट में था। मैं आपको इसका फादर भी दिखा देता हूँ, ये रहा इसका फादर यहाँ पे, वो लास्ट में बैठा हुआ है और वो पास होग्रोमो का स्प्लिट भी था। तो बाकी इसके पास जो बच्चे आए थे इसके अंदर से कुछ का स्प्लिट थे, क्रस्ट थे, कुछ नहीं थे। इसमें से एक यहाँ पर ये है, ये भी क्रस्ट के अंदर था, ठीक है, फुल राउंड क्रस्ट में था। उसके अलावा दोस्तों ये दो थे, ये क्रस्ट में नहीं थे आए, लेकिन ये है कि टफटीड के अंदर थे दोनों। ये भी फीमेल आई थी, ये भी टफटीड के अंदर निकली। उसके बाद ये पेयर आया, ये भी मेल जो है ये टफटीड में निकला, लेकिन जो फीमेल निकली थी वो डबल राउंड क्रस्ट में निकली थी। और जो ये है दोस्तों ये भी क्रस्ट में निकली थी, टफटीड में निकली थी बल्कि। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये सारे के सारे क्रस्ट के स्प्लिट भी हैं, इसके अंदर से क्रस्ट के बच्चे आ सकते हैं। और दोस्तों एक बच्चा निकला, एक ही अच्छा बच्चा निकाला इन्होंने। इनकी मैं मटकी लगाता हूँ, फिर कुछ छोड़ बातचात करते हैं हम लोग। बाकी दोस्तों इसका तो हो गया, अब हम लोग भी आपको एक न्यूज़ देने वाले हैं, जो कि ये पेड़ किया। आपको पता ही है मैंने पिछले दिनों इस पेड़ को लगाया था। ये मेल फीमेल दोनों क्रस्ट के अंदर है, फीमेल डबल राउंड क्रस्ट में है, मेल सिंगल राउंड क्रस्ट के अंदर है। और इन्होंने माशाल्लाह से जी एग लेइंग स्टार्ट कर दी है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी दोस्तों अंडे कंप्लीट करेंगे और इसमें से हैचिंग भी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके भी फीमेल जो है वो डबल राउंड क्रस्ट के अंदर है, तो इसके भी देख लेते हैं। एक बच्चा था इसके अंदर, तो वो ये है कि मुझे लग रहा था कि इसका ये टफटीड के अंदर आ रहा है, क्योंकि उसके भी थोड़े बाल खड़े थे। अब पता नहीं वो ठंड की वजह से बाल खड़े थे या इस तरह ही। तो अभी मैं इसके बच्चे को भी निकालता हूँ, बल्कि इसकी मटकी को खोलते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर क्या बच्चा टफटीड में है या सादा बच्चा। ने मटकी उतार ली और अभी इसके अंदर देखते हैं कि इसका बच्चा किस तरह का। और काफ़ी माशाल्लाह से इसकी हेल्थ ठीक है, और ये देखें माशाल्लाह से। तो दोस्तों ये बच्चा और इसके ये पर, मैं कह रहा था सर के ऊपर, अगर आप लोगों को इस कैमरे में नज़र आ रहे हो
तो दो तीन पार इसके खड़े हैं ऊपर से, हेड के ऊपर से जो टफ्टेड की निशानी होती है दोस्तों। तो ये माशाल्लाह से आप लोग कलर भी देखें तो कलर मेरी समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का कलर है इसका, ना ही ये येलो। नीचे से देखते हैं किस कलर में, नीचे से भी नहीं शो कर रहा। और काफ़ी माशाल्लाह दोस्तों इसकी हेल्थ अच्छी है, पेरेंट्स ने अच्छी इसको फीड करवाई है। और माशाल्लाह से दोस्तों ये भी टफ्टेड के अंदर लग रहा है, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है कि हो सकता है ये वैसे ही खड़े हों। तो इसके मैं बिठा के चेक करता हूँ इनके बालों को। तो ये दोस्तों बैठ भी नहीं रहे, ये दोस्तों टफ्टेड में ही लग रहा है मुझे, छोटे से इसके दो तीन बाल ही खड़े हैं। तो चलें कोई नहीं। और दोस्तों ये माशाल्लाह कलर है, आप देखें किस तरह का कलर है। तो ये थोड़ा बड़ा होगा फिर सही नज़र आएगा कलर। और इसकी आप वूल चेक करेंगे, इसके ऊपर वूल आ रही है, ये देखें वाइट वाइट कलर की जो वूल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दोस्तों ये भी इसको अंदर रखते हैं और ये देखें माशाल्लाह, ये जो थोड़ा सा बड़ा होगा ना फिर इसका सही पता लगेगा कि इसका क्या है, ये किस तरह का टफ्टेड निकलेगा। तो दोस्तों इसको मैं वापस अंदर रखता हूँ और फिर आप लोगों के इसको बादशाह होती है। तो माशाल्लाह से ये भी एक गुड न्यूज़ है कि इसका बच्चा टफ्टेड में ही है। कि दोस्तों ये जो पेयर आप लोग देख रहे हैं, एक ये वाला पेयर है ठीक है, और इसके अलावा एक ये वाला पेयर है ठीक है, और एक ये वाला पेयर है। ये तीन पेयर हैं दोस्तों जिसके अंदर हम लोगों ने थोड़ी चेंजिंग करनी है, लेकिन अभी नहीं, अभी इनकी क्रॉसिंग वगैरह हो गई है। तो अभी यह कि ये अंडे वगैरह दे देंगी, अंडे वगैरह जब दे देंगे तो दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर इन तीनों के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है। वो ये है कि हमारे पास दो मेल एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं जो कि क्रस्ट के अंदर हैं। एक दोस्तों ये वाला फुल राउंड क्रस्ट के अंदर है ठीक है, उसके अलावा एक जो वो मेल मैंने आपको बताया कि वो फुल राउंड क्रस्ट के अंदर, वो स्प्लिट हो गया ठीक है। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि इस फीमेल के साथ लगाएँ, क्योंकि इसके साथ पहले भी लगा था इसका पेयर और ये स्प्लिट हो गया था और फीमेल भी स्प्लिट हो गई थी, तो इसके अंदर अच्छे क्रस्ट के बच्चे आ जाते थे। लेकिन यह कि इस दफ़ा इस सिंपल मेल के साथ लगाया हम लोगों ने, तो उसके अंदर वो क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी क्रस्ट का बच्चा नहीं आया, ना ही टफ्टेड के अंदर कोई भी आया। और बाकी जो ये वाला पेयर है दोस्तों, इसने भी सादे बच्चे निकाले हैं, फीमेल डबल राउंड क्रस्ट के अंदर थी और जो मेल था वो सादा था। तो इन दो के अंदर हम लोग चेंजिंग कर लेंगे, इसके अंदर वो जो बड़े वाला हमारा मेल है वो लगाएंगे, और जो ये इसके अंदर है वो ये जो हमारे बड़े केज में है मेल, ये लगा देंगे। और बाकी जो ये पेयर है, ये दोस्तों ये है कि बच्चे पालने में काफ़ी अच्छा पेयर है, तो हमारे लिए एक फोस्टर पेयर के तौर पे भी काम कर सकता है, तो हम लोग इसको यहीं पे ही रहने देंगे। और बाकी दोस्तों आपको पता ही है ऊपर जो हमारे पेयर हैं, ये भी पेयर लग गया हुआ है, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी अंडे देगा। और जो ये पेयर है इसकी भी क्रॉसिंग हो गई है, और ये एक बच्चा इसका नीचे नज़र आ रहा है, बाकी पेयर अंदर है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी ब्रीड करेगा दोबारा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है कि इनके जो अंडे आ जाएंगे, क्योंकि अब तो क्रॉसिंग हो चुकी है दोस्तों, इनकी क्रॉसिंग हो गई है दोस्तों, तो अब क्या है कि अंडे तो आने ही आने हैं। तो अंडे हम लोगों ने क्या करना है कि अपने इंक्यूबेटर के अंदर लगाने हैं। ये इंक्यूबेटर आपको नज़र आ रहा है जो कि मेरे दोस्त की तरफ से मुझे मिला है, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी हमारी, तो उसके अंदर दोस्तों ये इंक्यूबेटर आया हमारे पास, इसके अंदर अभी अंडे भी रखे हुए हैं हमने। और यह है कि नेक्स्ट वीडियो में किसी आपको दिखाऊँगा भी अंडे, और यह है कि इनके अंडे हम लोग इधर रख देंगे और जो अंडे आएँगे, और हमें यह है कि क्लच भी मिल जाएगा और इसका पेयर भी लग जाएगा, और फिर नेक्स्ट ये अंडे भी दे देंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। तो अंडे इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हमने इंक्यूबेटर में रखे हैं लव बर्ड्स के अंडे हैं, इसके अंडे हैं दोस्तों लव बर्ड्स के अंदर कॉमन लेटिनो है और ग्रीन फिशर है, और दो ऑस्ट्रेलियन के अंडे हैं और एक कॉकटेल का अंडा है। अब देखते हैं कितने फर्टाइल होते हैं, कुछ तो पुराने अंडे थे कुछ नए अंडे हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही कोई प्रोग्रेस उसके अंदर आती है, मैं एक हफ्ते के बाद उसकी ना कैंडलिंग करूँगा, फिर आपको मैं लाजमी दिखाऊँगा कि क्या उसके अंदर प्रोग्रेस आती है। जैसे ही कोई आएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ लाजमी शेयर की जाएगी। और फिंचेस के हवाले से दोस्तों काफ़ी भाई कह रहे थे कि यार हमें डेली इनके बच्चे दिखाया करें, कितने प्रोग्रेस कितनी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इनकी जो है वो कुछ काफ़ी जल्दी इनकी होती है ग्रोथ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बच्चे लाजमी दिखाऊँगा और अंडे भी दिखाऊँगा जो कि दूसरे अंडे निकले हुए हैं जो दूसरी मटकियों के अंदर। तो दोस्तों ये थी हमारी छोटी सी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों काफ़ी सारे भाई ने ये पूछा था ना जे क्रीमिनो की वर्किंग या किस इस तरह की, तो आप लोग देख लें कि ये रेनबो वर्किंग का मेल था ठीक है, और इसके साथ वो थी क्लियर विंग के अंदर फीमेल लगी हुई थी, और स्पेंगल की थी, बेशक स्पेंगल थी या क्लियर विंग, ये मुझे इतना थोड़ा इसका सही पता नहीं, तो इन दो की लगी थी। तो आप लोग भी इस तरह लगा के दो क्रीमिनो निकाल सकते हैं इसके अंदर से। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपके साथ कल किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।